हजरत उमर हमेशा हजरत अबू बकर से ना कोशिश करते थे आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, सारी जिंदगी मौका ना बन सका। तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने कहा माल खर्च करो। तो उमर कहने लगे आज मैं अबू बकर को काट सकता हूं, आज मैं उससे आगे निकल सकता हूं कि वो आजकल गरीब है, मैं मालदार हूं, तो वो थोड़ा लाएगा मैं ज्यादा लाऊंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने अपने माल का आधा हिस्सा, आधा घर में रखा और आधा लेकर आए। अबू बकर ने झाड़ू फेर दिया, जो कुछ था वो सारा समेट के ले आए। जब दोनों प्रॉपर्टी सामने रखी गई तो हज़रत उमर की बहुत ज्यादा नजर आ रही, अबू बकर की बहुत थोड़ी नजर आ रही, लिहाजा हज़रत उमर बड़े इत्मीनान में खड़े के आज जीत खत्ताब के बेटे की है। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह रसूल तो जानते हैं कि कौन क्या करके आया है, तो मेरे नबी ने सवाल ही बदल दिया, जो उस मौके का सवाल ही नहीं। मेरे नबी ने पूछना यह था अबू बकर कितना लाए हो, उमर कितना लाए हो, और यही इस मौके का सवाल है। लेकिन अल्लाह रसूल जानते हैं कि किसके माल में वजन ज्यादा है, तो मेरे नबी ने सवाल बदल दिया, फरमाया उमर मा खल्लफ्ता। वाह वाह, उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो? तो उमर तो वहीं धड़म हो गया, बाबा मैं गया। सवाल से ही वो पता चलेगा बाद मेरी किल्ली उड़ गई, गई विकट। उमर मा खल्लफ्ता या मा तरकता ले अहलिक, ये दोनों अल्फाज हैं। पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो पहले हज़रत उमर बड़े जोश में खड़े थे, पर एकदम ढीले हो गए, कहने बाद जी आधा छोड़ा है आधा लाया। फिर आपने कहा अब अबाकर मा खल्लफ्ता या मा तरकता ले अहलिक, अबकर तू पीछे छोड़ के क्या आया, बच्चों के लिए क्या छोड़ के आया? उनका तरकतुल्लाह व रसूल, मैं तो अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, बाकी सब कुछ ले आया। तो उस पर उमर कहने लगे अबू बकर मैं नहीं तुझसे आगे बढ़ सकता, कोई भी तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। और अगली सुनो, अपने कपड़े भी दे दिए और एक टाट था वो पहनकर उसको कांटों से सी लिया। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है? तो आपने कहा कि अबू बकर ने सारा कुछ अल्लाह उसके रसूल पे लगा दिया है इसलिए ये पहना हुआ है। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है, मुझसे राजी तो है, इस फकर में मुझसे राजी है? मैं तो इतना सफर करके आया हूं, हालांकि अभी चार दिन पहले मैं 12 मुल्कों का 10 मुल्कों का सफर करके आऊं, सारी हड्डियों में दर्द है। मैं इसलिए आया हूं कि चलो कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आप सारे इसलिए हज पे जा रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए, जो सारे जहान से कहता है मुझे राजी कर, वो कह रहा है अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। तो आपने कहा अबू बकर तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा है और पूछ रहा है कि राजी हो। तो अबू बकर की चीखें निकली, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी ऐसे गुजार के मरो कि अल्लाह को मिलो तो अल्लाह खुश हो के मिल रहा, ऐसे ना मरो कि अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा रहे हों मुजरिम बनकर, कैदी बनकर। बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल, बदल दे मेरा दिल।